हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने कल अपलोड कर दिया है मेरा वीडियो, ठीक है, वो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, ठीक है। और मैंने वहाँ पे यही बोला था कि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए ये 10-15 मिनट का ऐसा वीडियो बनेगा, लंबा थोड़ा बनेगा ये अकेला क्वेश्चन, तो इसलिए इसको मैंने अलग से रखा था, ठीक है, ताकि मैं इसको आराम से समझा पाऊँ आपको, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई, हमें चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है, जो जो हमें दिया गया है उसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हमें दिया गया है अंडर रूट, क्या दिया है, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये हमें हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है अंडर रूट हम एज इट इज लिखेंगे, अभी तक हम अंडर रूट को एज इट इज लिखेंगे, जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम उसको हटा देंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो रूट निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम ऐसा करते थे ना, अंडर रूट 36, इसका रूट क्या है, 6 है, ये हमें पता है, हम इसका साइन लगा देते थे तो हमें पता चल जाता था कि ये इसका रूट है, ओके। चलो देखो क्या है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ओके। अब इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 64 आएगा। अब आपको पता है 64 किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है, वो है हमारा 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो ये हमारा है आंसर, ठीक है। ये तो थोड़ा और इजी था, अभी आगे दूसरी, इसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बड़ा वीडियो बनेगा नहीं आपके लिए, 10 मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट तक का बनेगा, ठीक है। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 6D वाला जो है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें एग्जांपल भी बहुत ज्यादा है, वहां पे हमें डिवीजन मेथड करना है, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो डिवीजन मेथड कैसी होती है, बाकी मैं तो आपको सिखा ही दूंगा। अब हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो इसका स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, बीच में किसकी साइन है, प्लस की साइन है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 प्लस 9 कितना होता है मेरा 25। अब 25 का रूट क्या है, 25 का मेरा रूट क्या है, जो कि है 5, ओके, समझ आ गया आपको, ये वाला इजी था, ठीक है, हो गया हमारा ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 थर्ड नंबर, 15 मिनट तक भी नहीं जाएगा, 10 मिनट पड़ेगा मैक्स टू मैक्स, ओके। चलो अब है हमारा -7 का स्क्वायर और -√14। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलोगे -7 का स्क्वायर क्या होता है ना, अरे -7 को आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर मतलब उसको दो बार मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब जब हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन तो हट जाता है, हमें पता है, जब भी दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस कट हो जाता है। अब 7 का कितना होता है 49, इसका मतलब क्या कि -7 का जो स्क्वायर है वो है मेरा 49, क्या है मेरा 4949। अब यहाँ पे आपको पूछा गया अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या है ना, आपको अंडर रूट 49 को माइनस नहीं करना है, आपको पता है 49 किसका स्क्वायर है, 49 का रूट क्या है, आपको पता है क्या है वो रूट, उसका है 7, क्या है 7, आपको समझ आया, -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 49 पे रूट का साइन है, इसका मतलब 49 का रूट क्या होता है, जो भी होता है 7, क्या होता है 7, ओके। अब 49 में 7 को माइनस करो तो मेरा आंसर आएगा 42, दिस इज योर आंसर, क्या, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये इधर सब गलती हो गई, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, एक बार क्वेश्चन में भी लिख देता हूँ,
यहाँ पे है स्क्वायर प्लस अंडर रूट 0.36, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर है उसका मतलब क्या कि ये ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, क्या होगा, ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऊपर क्या होगा 1 का स्क्वायर नीचे क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट का साइन लगा दूंगा। अब क्या ये डेसिमल में है तो हम उसे फ्रैक्शन में नहीं करते थे, अब ये डेसिमल में है तो हम उसे फ्रैक्शन में करते थे, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 36 और नीचे एक दो दो डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद एक दो डिजिट है, तो 1 के आगे भी 2 जीरो लग जाएंगे। ओके अब हम करते हैं इसको सॉल्व, देखो अब तो इजी हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस अंडर रूट 36, ये दोनों पे अंडर रूट है ठीक है, अंडर रूट 36 और अंडर रूट 100, अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर है ना 36 होता है पता है, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100 का रूट क्या है 10 है मेरा। अब हम क्या करेंगे LCM, क्या करेंगे LCM, यहां पे LCM करेंगे, चलो LCM भी करना सिखा देते हैं, ये 2 से होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 को ऐसा कैसा लिख दिया 2 5 10 होता है ठीक है। अब देखो फिर इधर 9 होता है 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 1 जा 3 होता है 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 1 जा 5 ठीक है हो गया, इसका मतलब हमारा LCM है 2 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90, कितना आया 90, नीचे मेरा LCM 90 आया। अब मेरे को यहाँ पे 90 करना है तो क्या करूँगा मैं 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करना हो तो 9 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ से 10 यहाँ पे 10 पे किया तो यहाँ पे भी 10 से करूँगा ऊपर 9 से उधर सॉरी 9 ठीक है, तो 1 इंटू 10 10 प्लस 6 9 जा 54 करो प्लस इन दोनों को 64 अपॉन 90, क्या 64 अपॉन 90। अब इसको हमें फर्दर काटना है कि नहीं काटना वो मैं देख लेता हूँ पीछे आंसर क्या दिया है ठीक है, हमें इसको कट करना है फर्दर ठीक है, हमें इसको पीछे कट करना है फिर से हो जाएगा कट, ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों 32 और 45, तो 32 डिवाइडेड बाय 45 दिस इज योर आंसर, क्या दिस इज योर आंसर, अभी दोनों फिर से डिवाइड नहीं होंगे आगे। ओके ये वाला सम हमारा हो गया ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग ठीक है। एक बार ये फिर से समझा देता हूं, देखो क्या है इसमें, सबसे पहले यहां पे ये स्क्वायर है ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने सुधार दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इसको हमने कर दिया फ्रैक्शन में, क्या कर दिया फ्रैक्शन में कर दिया, मतलब वो पूरा ऐसे अंडर रूट लगेगा ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ओके, 36 का रूट क्या होता है 6, 100 का रूट क्या होता है 10। अब हम एलसीएम लेके हमारा जो आंसर है ये रहा ठीक है, चलो बढ़ते आगे हम। ए नंबर लास्ट, ये वीडियो का हमारा लास्ट और एक्सरसाइज 6 सी भी इधर खत्म हो जाएगी इसी क्वेश्चन के साथ ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि एक्सरसाइज 6 डी के रिलेटेड है, वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, सबसे पहले मैं उसमें एग्जांपल्स कवर करूंगा फिर मैं मेरी एक्सरसाइज 6 डी को शुरू करूंगा ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत है और वो एग्जांपल्स कराना जरूरी है ना, वो एग्जांपल्स मस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या है देखो ये सब माइनस है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है ऐसा है क्वेश्चन क्या है ऐसा है, तो माइनस के साइन को अभी तक अभी हम कुछ नहीं करेंगे, क्या माइनस के साइन को अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, देखो इसको मैं करूंगा क्या होगा 9 का रूट क्या होता है, देखो रूट का साइन है, रूट का साइन है, 9 का रूट क्या होता है 3, हमको पता है ना 3 का स्क्वायर 9 है तो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 16 का रूट क्या है 4, दूसरे ब्रैकेट में आ जाते हैं, माइनस का साइन एज इट इज रखेंगे
64 का रूट क्या है? 8 है। इसका रूट क्या है? 10 है। अब देखो ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाता है। 3 8 का कितना होता है? 24। और 4 10 का कितना होता है? नीचे 40। ठीक है, अब ये कटेंगे, देखो ये 12, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अभी दोनों फिर से 2 के टेबल में आते हैं, फिर से 2 से कटेंगे एकदम। तो लास्ट में मेरा आंसर आया 3/5। दिस इज योर आंसर द। ठीक है, यही हमारा आंसर है, एक बार देख लो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने पूरी एक्सरसाइज 6C कंप्लीट कर दी। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। बाय बाय।